एक्सरसाइज पार्ट फ्रॉम सेकेंड लेसन माई बॉडी पार्ट्स। आज हम लोग लेसन टू माई बॉडी पार्ट्स का अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो पेज नंबर 90 से क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों के साथ खाली स्थान को भरे। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और बॉक्स में कुछ शब्द भी दिए हैं जिनके मदद से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को सही सही भरना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन में है प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना, स्मेल, SMELL, स्मेल यानी कि सूंघना, रन, RUN, रन यानी कि दौड़ना, राइट, WRITE, राइट मीन्स लिखना, ईट, EAT, ईट यानी कि खाना, और मूव, MOVE, मूव मीन्स हिलना या हिलाना। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। पहला है आई कैन डैश लूडो विथ माई हैंड्स। तो यहाँ डैश में क्या लिखेंगे हम, प्ले, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई कैन प्ले लूडो विथ माई हैंड्स, आई कैन प्ले लूडो विथ माई हैंड्स मीन्स मैं अपने हाथों से लूडो खेल सकता हूँ। सेकेंड में है आई कैन डैश विथ माई लेग्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रन, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई कैन रन विथ माई लेग्स, आई कैन रन विथ माई लेग्स यानी कि मैं अपने पैरों से दौड़ सकता हूँ। और थर्ड में है आई कैन डैश विथ माई माउथ, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, ईट, तो हम लिखेंगे आई कैन ईट विथ माई माउथ, आई कैन ईट विथ माई माउथ यानी कि मैं अपने मुंह से खा सकता हूँ। फोर्थ में है आई कैन डैश माई हेड विथ द हेल्प ऑफ माई नेक, तो फोर्थ का आंसर होगा आई कैन मूव माई हेड विथ द हेल्प ऑफ माई नेक, आई कैन मूव माई हेड विथ द हेल्प ऑफ माई नेक मीन्स मैं अपने सिर को अपनी गर्दन की मदद से हिला सकता हूँ। फिफ्थ में है आई कैन डैश विथ माई नोज, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मेल, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई कैन स्मेल विथ माई नोज, आई कैन स्मेल विथ माई नोज मैं अपनी नाक से सूंघ सकता हूँ। ओके, और लास्ट सिक्स में है आई कैन डैश विथ माई फिंगर्स, तो सिक्स में क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैन
write with my fingers. I can write with my fingers. यानी कि मैं अपनी अंगुलियों से लिख सकता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.